उगाही करते हुए पुलिस की तस्वीरें मुजफ्फरपुर से आई हैं। बताया जा रहा है कि ये तस्वीरें मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस की गश्त के दौरान ली गई है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर गोलंबर पर ट्रक चालकों से पुलिस वाले अवैध उगाही करते नजर आ रहे हैं। मामले में शिकायत होने के बाद सदर थाना के PSI BK यादव और 3 सिपाहियों को निलंबित कर दिया गया है। ये कार्रवाई SSP जयकांत ने की है। बताया जा रहा है कि भगवानपुर गोलंबर पर रात में वाहनों की लंबी कतार लगी हुई थी। PSI 3 सिपाहियों के साथ गश्त कर रहे थे। भारी वाहनों को एक एक कर निकलवाने के क्रम में वो ट्रक वालों से अवैध उगाही भी कर रहे थे। इसी दौरान किसी ने उनका वीडियो बना लिया। सोमवार को ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एक बार फिर देखिए पुलिस की अवैध उगाही के इस वीडियो को। वीडियो वायरल होने के बाद मामला SSP के संज्ञान में पहुंचा। उन्होंने नगर DSP राम नरेश पासवान को जांच करने का जिम्मा सौंपा। DSP ने जांच में मामले में कार्रवाई करते हुए PSI और 3 सिपाहियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वायरल वीडियो आ रहा है सदर थाना इलाके का, पैसे वसूली का, तो उसमें क्या देखा गया, क्या एक्शन हुआ? उस संदर्भ में जाँच की गयी है सदर थाना अध्यक्ष के द्वारा, और उसमें बताया गया है कि जो गश्ती में जो पदाधिकारी थे उनके साथ जो फोर्स था उनके द्वारा गाड़ियों का जांच किया जा रहा है। उसी संदर्भ में एक वीडियो वायरल जारी हुआ है पब्लिक के द्वारा कि उसमें अनफेयर मीन्स के लिए किया गया है, तो उसकी जांच हो रही है। तत्काल प्रथम दृष्टया उन पर कार्रवाई की गई है, थाने से उनको बताया गया है। इससे पहले पटना में मसौढ़ी से पुलिस की अवैध वसूली की तस्वीरें सामने आई थी। यहां पुलिस के जवान ओवरलोडिंग गाड़ियों से 200, अंडरलोडेड गाड़ियों से 20 से 50 रुपए लेते कैमरे में कैद हुए थे। अब मुजफ्फरपुर से पुलिस की अवैध उगाही की ऐसी ही तस्वीरें आई हैं। बिहार में शहर दर शहर पुलिस की अवैध उगाही का खेल जारी है। ऐसी तस्वीरों से जनता का सरकार और पुलिस से भरोसा कम होता है। मुजफ्फरपुर से मणिभूषण शर्मा, बिहार तक।